दोस्तों, मैं हूं अजय प्रजापति, आप देख रहे हैं संगम टीवी। जैसा कि हमने आपको पहले भी अवगत कराया था कि आप देख पा रहे होंगे, हम यहां वृक्त आश्रम तपोभूमि पे मौजूद हैं। हमने आपको अवगत कराया था कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहां पर एक आयोजन होगा। जैसा कि जाना जाता है, यहां पर विराजमान जो रोटीराम जी महाराज हैं, उनसे जुड़े हुए उनके तमाम जो है शिष्य हैं, जो काफ़ी दूर दराज बाहर भी रहते हैं, और कस्बा तो उनका पूरा जो है शिष्य के रूप में, और उन्हें गुरु मानता ही है, शिष्य के रूप में हमेशा रहता है। तो तमाम यहाँ पर लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं इस कार्यक्रम में। इसी प्रकार से देखा जा रहा है, बहुत सारे लोग यहाँ पर आ चुके हैं और लगातार तैयारियाँ की जा रही हैं। इससे पहले भी हमने आपको जानकारी दी थी, आपको अवगत कराया था, जब यहाँ पर जो निर्माण चल रहा है, जो यहाँ पर आप सुंदरीकरण देख पा रहे होंगे, लगातार किया जा रहा है और कई वर्षों से चल रहा था। अभी उम्मीद की जा रही है कि लगभग 2-3 वर्ष इसे जो है सुंदरीकरण सुंदर बनाने में जो है लग जाएगा। लगातार यहाँ पर कार्य किया जा रहा है। जो इसके कपला पशु आहार के ऑनर हैं सुरेंद्र सिंह हरे जी के द्वारा ये सारा कुछ जो है निर्माण कार्य किया जा रहा था, और उसी में जो है आज देखा जा रहा है नगर के लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते नजर आते हैं। और यहाँ पर जो कल कार्यक्रम होगा, यानी कि परसों के दिन गुरु पूर्णिमा के दिन विशाल भंडारे का आयोजन होगा, हवन पूजन का कार्यक्रम रहेगा, और जिसमें नगर के साथ साथ तमाम अन्य क्षेत्रों के लोग यहां पर आएंगे और बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे और स्वामी जी के चरणों पर जो है मत्था टेकेंगे और सुख समृद्धि की कामना करेंगे। इसी प्रकार जो है हमारे साथ में कस्बे के पूर्व सभासद हैं नीलकंठ धुरिया जी हैं, इनसे बातचीत करेंगे। इनका भी देखा जा रहा है सहयोग है, और यहाँ पर जो है जो तैयारियाँ हैं, तैयारियों का जायजा ले रहे हैं और यहाँ पर जो है मौजूद हैं। आइए चलते हैं, कब से ये रोटीराम जी महाराज जी को जानते हैं और किस प्रकार से जो है ये आस्था रखते हैं यहाँ आश्रम में जी। जब से हमने याद संभाली, यहाँ तप घूमने रोटीराम महाराज जी का रहा है, यहाँ से मेरे को बहुत हुए था। यहाँ स्वामी जी हमारे यहाँ से जब से आए थे, यहाँ से स्वामी जी से पैसा नहीं चढ़ाने दिया कोई, आवाज से सुविधाएँ अच्छी थी यहाँ। हाँ, भगवा सुनीपुर नगर का और क्षेत्र का भी है, यहाँ के आदमी है, पूरा सुविधाएँ अच्छा कर रहे हैं। और यहाँ कुछ रोटीराम बाबा का 2 दिन के बाद गुरुपुर्व होने जा रहा है, भक्त भंडारा चले गए यहाँ, और गांव-गांव के यहाँ आते हैं, और मीडिया से सब कहते हैं रोज़ के रोज़ यहाँ से बना के भेजें तो बहुत दया होगी उनकी। सदा मैं मीडिया से भी जुड़ रहा हूँ और मैं यहाँ का बहुत सहता हूँ। हम रात बिरात के दिन में आ जाते हैं हम लोग, तो चारा आ जाए तो कूदते हुए पौधे हैं, कहीं ना कहीं सेवा करते रहते सेवा हैं करते रहते हैं। हाँ। आगे नगर पंचायत समयपुर भी कुछ देखभाल करते रहे पालीवाल जी, और पालीवाल जी के और कपड़ा वाले जी हैं, तो उनका बहुत यहाँ तालाब भी बनने जा रहा, 200 फुटाले बनेंगे महिलाएँ का पुरुष का, पानी का बोर हो गया यहाँ के खूब। कपड़ा वाला बेचारा आज के अच्छा लगाए हुए हैं, और कह रहा जब तक मैं यहाँ पूरा बना न दूंगा, जब तक मैं यहाँ से छोड़ना होगा, ज़िंदगी भर यहाँ मैं रहूँगा, इतना कहना मेरा है। हाँ बिल्कुल, देखा जो है इन्होंने बताया कि लगातार जो है कार्य चल रहा है और इसी तरीके चलता रहेगा जब तक यहाँ पर एक नज़ारा जो है कुछ अलग ही नहीं हो जाएगा। यानी कि बिल्कुल अभी भी हटकर दिखने लगा है, काफ़ी जो लंबे समय से यहाँ पर नहीं आए होते हैं और आते हैं तो देखते हैं क्या वही तपोभूम है जिसका नज़ारा, तो बिल्कुल जो देखा जा रहा है कि बिल्कुल जो है लाल पत्थर यहाँ पर लगे हुए हैं, इतने जो है अच्छे तरीके से यानी भव्यता के साथ इसे जो है सौंदर्यीकरण किया जा रहा है कि इसकी जो है कल्पना नहीं की जा सकती है। कभी किसी ने सोचा भी नहीं था, क्या कभी आपने सोचा था कि यहाँ इस तरीके से जो कभी निर्माण होगा, कभी सोचा था आपने? नहीं, हमने नहीं सोचा था। यहाँ हमारे जब से स्वामी जी आ गए, ये आश्रम गायत्री जी अनुसुईया जी बगल में अनुसुईया जी लगे हैं, आज उनको भंडारा चल रहा है, गुरु पूर्णिमा के दिन रहता है। यहाँ के गांव के आदमी पूरा सहयोग अच्छा साथ देते हैं, सब मिल के एक साथ सब जुट होकर काम करते हुए, और यहाँ के पूरे मीडिया हमारी इतनी अच्छी रहती है, यहाँ के पुलिस प्रशासन भी हमारा अच्छा, यहाँ देखभाल गाँव रखता है अच्छा देखभाल, कोई परेशानी यहाँ नहीं होती पब्लिक को, और इतना मेरा कहना है। बिल्कुल, और भी चलते हैं, और भी कुछ तस्वीरें आप तक साझा करने का प्रयास करते हैं। धन्यवाद। भैया जो है गुरु पूर्णिमा की तैयारियां लगातार चल रही हैं, और ये हमारे साथ में आदित्य गुप्ता जी हैं फ्रेंड डेकोरेशन से, और क्या तैयारियां चल रही हैं यहाँ पर? परसों की तैयारी चल रही है, अभी सजावट चल रही है इसमें। किस तरीके से सजावट कर रहे हैं आप? तो देखने के बाद ही पता चले कुछ वगैरह है, अगर आप दिखाना चाहें तो हम दे देंगे आपको, फिर आप लोग कर सकते हैं। कितने दिनों पहले से तैयारियां चल रही हैं, किस तरीके से कैसा जो है भव्य रूप देने वाले हैं आप? अपने हिसाब से तो काफ़ी अपने हिसाब जो भी हो रहा है ना, बड़ा से बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, बाकी बाबा की कृपा कितना अच्छा हो पाता है,
तो कोशिश ही कर रहे हैं। बिल्कुल, देखो ये चमन भाई हैं, ये भी जो है यहाँ इनके साथ में आए हुए हैं, क्या कहना चाहेंगे भैया जी? अच्छी तरीके से तैयारी कर रहे हैं, ये चल रहे हैं। देखा जो है, जो भी यहाँ तैयारियाँ थी तो लगातार जो है की जा रही हैं, और ये देखेंगे आप जो है स्ट्रक्चर पूरा जो है तैयार कर लिया गया है, और भी आगे जो तैयारियाँ हैं सभी लोग यहाँ पर जो भी भाई मित्र हैं सभी लोग लगे हुए हैं, और अच्छा से अच्छा करने का जो है प्रयास किया जा रहा है। देखेंगे भाइयों जो है समय लगभग 8:30 बज रहे हैं, और सभी लोग संगम सेवा समिति के लोग यहां पर जो है उपस्थित हैं। देखेंगे विरक्त आश्रम रोटी राम जी महाराज जी के यहां पर जो है सभी लोग लगे हुए हैं। देख, जैसा कि आपको अवगत ही कराया था हमने कि गुरु पूर्णिमा के दिन यहां पर जो है यज्ञ हवन का कार्य आयोजित किया जाएगा, और विशाल भंडारे का भी आयोजन किया जाएगा। इसी क्रम में यहाँ पर जो है देखेंगे सभी भाई लोग लगे हुए हैं तैयारियों पे, जो है जो भी तैयारियां करनी हैं। देखिए सभी लोग जो एकत्रित हो चुके हैं, और चलते हैं कुछ तैयारियों का और जायज़ा लेते हैं, और जहां पर जो भी कमियां हैं जरा उनमें सुधार करने का प्रयास करते हैं। देखेंगे टीम के मेंबर हैं सभी लोग जो है सहयोग करते नज़र आ रहे हैं। कैसे लगाना बताओ बताओ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं।